हाफ इंच का बोर्ड है, ये बीनियर है, ठीक है। इसी पे ही आधे पे मैं लाइट करके दिखाऊंगा, आधे पे डार्क यानी ब्राउन कलर पॉलिश कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 150 नंबर रेगमाल है वाटरप्रूफ, इसी से ही शुरुआत करेंगे। अब देखिए बीनियर इधर को है ना सीधा, तो सीधा ही लगाएंगे। अगर आड़े में होगा तो आड़ा लगाएंगे, तो इसको ऐसे सीधा लगाएंगे। एक बार कुछ भी करने से पहले एक बार हल्के हाथों से, और इतना भी कस के ना लगाएं कि बीनियर निकल जाए, ठीक है। आराम से इस तरीके से इसको रेगमाल लगा लिए। स्प्रिट और लाकदाना का मिक्सचर हमने पहले ही फिल्टर करके रखा था, इसको थोड़ा सा लेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे स्प्रिट। देखिए जब भी धुलाई का हाथ लगाएं, जब सैंडिंग कर चुके हों हल्की, तो इसमें एक बार कॉटन फैब्रिक से साफ कर लीजिए। जब भी आप शुरुआत करें कोई भी कलर में डिप किया हुआ कॉटन फैब्रिक यूज ना करें, एकदम वाइट हो वही यूज करें, ठीक है। नहीं तो आपका बीनियर काला पीला हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप ब्राउन करोगे कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत हमेशा साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से एक बार धुलाई का हाथ लगा दीजिए, ठीक है। देखिए सीधा है, इसके जो ग्रेन है ना सीधे हैं, इसीलिए सीधा ही चलाया जाएगा। पाउडर बनाने के लिए आप 405 पोरबंदर चौक मिट्टी 2 kg का 30 रुपये में मिलेगा। इसमें MRP लिखा है 42 रुपये, लेकिन आपको ये 30 रुपये में मिल जाएगा 2 kg का, ठीक है ना, ये लिखा है। देखो अब देखो ये छोटा सा पीस है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझो। थोड़ा सा लो, ले लिया। ये ब्राउन कलर है, ठीक है। ब्राउन कलर का पॉलिश करना है तो ब्राउन पाउडर ज़रूरी है। वॉलनट वुड स्टेनर ये भी ज़रूरी है, वॉलनट वुड स्टेनर और ये ब्राउन कलर, ये चाबी ब्रांड है, ठीक है। इसको हम टर्की अंबर भी कह सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा चौक मिट्टी में मिला देंगे, चौक पाउडर और ब्राउन कलर दोनों आपस में अच्छे से मिला लीजिए पानी डालने से पहले। अब हम इसमें डालेंगे पानी, फेविकोल डालेंगे बाद में, जिसको हम कहते हैं जर्मन ग्लू, और इसमें शुद्ध पानी डालें जो साफ सुथरा हो, बिस्लेरी का ना भी हो चलेगा लेकिन साफ हो, ठीक है, गंदा पानी ना डालें, क्योंकि जब आप सेंडिंग करोगे ना श्वास नाली में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है ना, इसलिए सावधान इंडिया। देखो प्यार से मिलाएंगे, ये दूर दूर भागते हैं, क्योंकि जो चाबी ब्रांड होता है ना ब्राउन कलर, ये पानी में मिक्स होने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। पानी से हमने मिक्स कर लिया इसको, अब इसमें डालेंगे हम, ये देखिए DDL हो या फेविकोल हो, इसको आप जर्मन ग्लू भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको जैसे थोड़ा सा बनाया है ना, तो ज़्यादा नहीं देंगे, ये तो फिर कटाई नहीं होगी, NC पुट्टी की जितना सख्त हो जाएगा, थोड़ा सा दे देंगे, ताकि जब हम घिसेंगे तो इसके नस में ही रहेगा, लकड़ी के जो ग्रुप है ना बीनियर के, उसी में ही रहेगा ये। चाहे आप इसको टीक वुड में करो या बीनियर प्लाईवुड या कमर्शियल में भी करो, उसमें भी पॉलिश हो सकता है, सिर्फ काला पीला दाग धब्बा छुटा दो। और देखिए फेविकोल देने से इसमें क्रिया हो रहा, क्या रासायनिक, इसको अच्छे से पानी दे दे के पेस्ट की तरह बनाना, क्यों फेविकोल देते ही ये अपने आप को इकट्ठा करने लग जाता है, और ये क्यों इकट्ठा होता आज तक हमारे समझ में आया नहीं। ये थोड़ा सा और देंगे ताकि पेस्ट के जितना बने, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा पानी। देखो तो प्यार से संयम के साथ धीरज के साथ
श्रद्धा और सबूरी, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये हमारा पेस्ट है रेडी अब बीनियर पे लगने के लिए, ठीक है। ये देखो हो गया, अब इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। कभी आपको ऐसा लगे कि इसमें कहीं पे भी आप काम ले रहे हो या कर रहे हो, आपको पहले से पता नहीं है कि आपको कौन सा कलर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिश तो करना है ना, तो कितना कर सकते हो। जैसे कि इसमें सफाई कहा था आपने लगा दिया, नेचुरल पॉलिश के लिए बनाया जाता है पेस्ट। देखिए बचा हुआ था तो हमने इस पन्नी के अंदर रख दिया, ये कभी सूखता नहीं है। अगर पन्नी के अंदर रख दो बांध के, हवा नहीं लगेगा तो सूखेगा नहीं। अब हम इसी को ही लगा सकते हैं, फिर बाद में ब्राउन कलर भी कर सकते हो। मैं सब चीज़ आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि किस किस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से नेचुरल पाउडर भी लगा सकते हैं, अब चलेगा सही। ये देखिए थोड़े से जगह पर मैं इसको भी लगाया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने नेचुरल कलर पाउडर कर दिया, अगर इसको कटाई करने के बाद एक हाथ पॉलिश मार के आप छोड़ सकते हो। ज़्यादा भी पॉलिश मारोगे फिर ब्राउन कलर नहीं हो सकता इसके ऊपर, क्योंकि नेचुरल कलर के ऊपर पाउडर करोगे अगर आप, इसको घिसोगे, घिसने के बाद जब आप एक हाथ पॉलिश मारोगे तब उसके ऊपर कोई भी कलर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। या इसी पाउडर के अंदर आप ब्राउन कलर मिक्स कर सकते हो। इस ब्राउन कलर को इस नेचुरल कलर के अंदर भी आप मिक्स करके इस तरीके से बना सकते हो। ये जो ब्राउन कलर है ऐसा ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर थोड़ा ब्राउन कलर, और चौक मिट्टी में भी खाली ब्राउन दे सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं, ठीक है, रख दिया, इसको हटाते हैं। देखिए अगर आपको ब्राउन कलर करना है, अगर पहले से आपको पता है कि ब्राउन करना है, आपने देखा हो ना यहाँ कील का निशान था, यहाँ पर था, ये सारे भर जाएंगे अपने आप, कहीं पे भी छोटा मोटा रिपेयर इससे भर जाता है। इस तरीके से, और देखिए पत्ती से लगाने से फायदा क्या होता है, जितना इसके ग्रुप में रुकना है रुकता है, फालतू नहीं लगता है इसमें। जब पाउडर सूख जाए तब आप 220 या 320 नंबर सेंट पेपर से इसकी घिसाई करेंगे, जैसे कि आपने घिसते हुए देखा। अब एक चीज़ ध्यान दो, देखिए अगर आप ब्राउन कलर के पाउडर से चौक मिट्टी में मिला के पुट्टी करेंगे तो देखिए इसके नस में भी ब्राउन कलर पकड़ लेता है, ये देखिए। इसीलिए दोनों तरीके से, और इधर देखिए जहाँ पर हमने इतने हिस्से पर जो नेचुरल पाउडर किया था, देखिए इसके नस में ऐसा लग रहा है जैसे कि, ये देखिए दूसरा वाला दिखा रहा हूँ, जब हम पॉलिश करेंगे तो इसमें ऐसा ही दिखेगा। इसमें हमने नेचुरल कलर पाउडर किया था और इसमें हमने डायरेक्ट ब्राउन चौक पाउडर में मिला के कर दिया, तो इसके नस में डायरेक्ट ब्राउन पकड़ लिया। तो ऐसा तब करें जब बिल्कुल डार्क ब्राउन चाहिए, अगर लाइट ब्राउन चाहिए तो हमेशा नेचुरल पाउडर करें ऐसा, तो उससे क्या होगा, नस काला काला या ब्राउन ब्राउन नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको डार्क नहीं चाहिए, क्योंकि रेशे भी दिखना चाहिए और हल्का ब्राउन शेड आ जाए, तब तो नेचुरल पाउडर करें। अन्यथा अगर डार्क चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो डार्क होगा, आपका बीनियर दिखाई दे या ना दे बस वो तो मोटा मोटा चढ़ेगा और ब्राउन हो जाएगा। तो अगर नस के अंदर ये काला काला दिखाई भी देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉलिश तो ब्राउन हो ही जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है।
इसमें हम बनाएंगे लाइट ब्राउन करने के लिए, इसमें हम बनाएंगे डार्क ब्राउन करने के लिए। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा पॉलिश, स्प्रिट और लाकदाना का मिक्सचर है जो हमने फिल्टर करके रखा है पहले से, इसमें भी लेंगे। अब दोनों में क्या मिलाया जाएगा, दो चार बूंदी डालेंगे, इसको हिला लीजिए ऐसे करके। डार्क करना है तो ज़्यादा डालेंगे, बहुत सारा हमने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि डार्क ब्राउन चाहिए ना। अब ये डार्क ब्राउन करने के लिए ये वुड स्टेनर के अलावा भी आपको इस पॉलिश के अंदर पाउडर भी मिलाना होता है, ब्राउन कलर का टर्की अंबर, ये भी मिलाना पड़ेगा अगर डार्क करना है तो। स्टेनर भी डालना होगा प्लस इसको भी देना होगा। देखिए ब्राउन कलर भी इसमें हम मिक्स कर देंगे, मिला लेंगे अच्छे से। इसको आप चाहें तो एक बार फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉटन फैब्रिक से। तो इसमें अगर पाउडर के अंदर थोड़ा बहुत भी गंदगी होगा वो भी फिल्टर हो जाएगा, ऐसे करके आप बना लीजिए। अगर आपको डार्क ब्राउन चाहिए, देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेनर और पाउडर दोनों मिक्स करेंगे तो, और जल्दी भी होगा कलर। अब हम करके दिखा दें, देखिए डार्क वाले के लिए अलग कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल करें, यानी सूती का कपड़ा, लाइट वाले के लिए अलग यूज करेंगे हम, क्योंकि इसका कपड़ा अगर इसमें लगाएंगे और इसका कपड़ा इसमें लगाएंगे तो कलर में फर्क होगा काफी, इसीलिए सबसे पहले हम लाइट वाले को लगाते हैं। यहाँ पर आपको रेशे भी दिखना है लेकिन हल्का ब्राउन भी होना है, देख लीजिए ऐसे करके आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप लगा लीजिए, ठीक है, लगिए। अब इसको सूखने देंगे 5 से 10 मिनट, उसके बाद फिर लगाएंगे। इसके अंदर रख देते हैं इसको। अब दूसरा एक कॉटन फैब्रिक लेते हैं जो डार्क ब्राउन करना है उसके लिए, देखिए इस तरीके से बनाना है। लिया, देखिए कैसे भी चलाएं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो आपको नीचे से दिख रहा है ना लाइट लाइट, वो भी नहीं दिखेगा क्योंकि डार्क करना है, बस ऐसे सीधा सीधा लगाते जाना है कैसे भी, वो तो डार्क हो जाएगा, बीनियर तो दिखेगा नहीं। इस तरीके से, लेकिन लगाने के बाद जैसे ये गीला है हल्का, इसके ऊपर दोबारा रगड़े नहीं, इसको सूखने दें अच्छे से, फिर दोबारा लगाएंगे तो कलर फिर आराम से चढ़ेगा और जबरदस्त ब्राउन हो जाएगा। इस तरीके से जब ये सूखेगा फिर एक बार करेंगे ऐसे करके, जब तक हल्की शाइन नहीं आ जाएगी जब तक हम करेंगे, ठीक है, ये पूरा ब्राउन भी हो जाएगा और ये भी हल्का वॉलनट हो जाएगा, यानी कि लाइट ब्राउन हो जाएगा ये भी। ज़रूरत हो थोड़ा सा और भी दो इसमें, जैसे कि मान लीजिए हम एक दो बार लगा रहे हैं फिर भी ये ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और डाल दो वॉलनट स्टेनर, लेकिन इसमें पाउडर ना डालें कभी, अगर आपको बीनियर दिखाना है अंदर से तो। दो बारी हो चुका है, इसमें भी दो बार लगा चुके हैं, नेचुरल पॉलिश के अंदर देके और डार्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डार्क डार्क करोगे तो स्पॉट आ जाएगा, आपका बीनियर भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और ये तो आपका है डार्क ब्राउन, दो बार इसमें हो चुका है, जब 2 से 3 बार लगा चुके हो तो हल्का सेंड पेपर लगा लीजिए, हल्का, इतना भी तेज ना लगाएं कि ये कलर कट जाए, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे के बाद बाद लगाएं, ठीक है, ताकि अच्छे से सूखने दें, लगातार लेके ना रगड़ें, ठीक है, इत्मीनान से इस तरीके से लगा देंगे, कोई स्पॉट नहीं आएगा, कोई कलर नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा, अगर आप इसे सूखने देंगे कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर
जो है बर्दाश्त करने की क्षमता है और आराम से काम करना चाहते हैं, और देखिए इसका कलर नीचे बैठ जाता है, जो हमने पाउडर डाला है, लिक्विड तो पूरा घुल जाता है, स्टेनर वुड स्टेनर इसमें अपने आप मिल जाता है पॉलिश के साथ, लेकिन पाउडर नीचे बैठ जाता है, इसलिए बीच बीच में इसको थोड़ा सा हिला लीजिए और इस तरीके से लगाते चले जाएं। ये देखिए ऐसे लगाएंगे। जब आपको लगे ये पूरा ब्राउन हो गया, तीन बार या चार बार या पांच बार करें, जब आपको लगे कि ये ब्राउन हो चुका है तब आप ये कलर ना करें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे इसमें, और ये आपको लगता है कि लाइट हो गया है तो इसको आप डार्क कर सकते हैं थोड़ा और देके, लेकिन ज़्यादा देंगे फिर इसमें स्पॉट आ जाएगा। अभी ढंग से सूख जाए, चार पांच बार कलर हो जाए, वो भी एक घंटे के बाद बाद एक कोट लगाएंगे इसमें, चाहे कपड़े से लगाएंगे ना, लेकिन एक घंटा टाइम देंगे सूखने के लिए तब करें, नहीं तो ये सूखेगा नहीं, गीले गीले में आप करेंगे आपका कलर भी नहीं होगा और कलर कट जाएगा, अच्छा नहीं होगा काम। उसके बाद ये जो हमने लाकदाना और स्प्रिट का जो मिक्सचर हमने फिल्टर करके पहले से रखा है, उसको जब ये अच्छे से सूख जाए, या तो कलर करने के बाद एक दिन छोड़ दो, उसके बाद ये चार पांच बारी कर दो, ये भी सूखा सूखा के आधे घंटे के बाद बाद एक बार करें, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। उसके बाद जब ये पॉलिश लगाने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए, फिर एक दिन छोड़ दो, फिर सीलर लेकर लगाओ, लेकिन सीलर लेकर लगाते वक्त भी आपको इतना ध्यान रखना है कि सूखने के लिए टाइम देना है, हर कोट के बाद कम से कम 30 मिनट आधा घंटा का गैप होना चाहिए, ठीक है। और सीलर लेकर कैसे लगाएंगे, चार पांच वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख लेना, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, देखिए अभी भी हल्का गीला है, इसे अच्छे से सूख जाने देंगे, उसके बाद फिर करेंगे। जब आपको लगे कि ये ब्राउन हो गया है अच्छे से डार्क, और देखिए डार्क ब्राउन में अंदर से कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपको जैसा लग रहा है जब आप सीलर लेकर लगाएंगे, बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन कलर आएगा, ब्राउन ही दिखेगा ये। ये वीडियो यहीं तक, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं ये कैसा वो कैसा है, ठीक है। देखिए ब्राउन इस तरीके से कर सकते हैं। और एक बात बताना है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि इसके ऊपर हम दोबारा पॉलिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते जब तक आप लोग इसको रिमूव नहीं करोगे, क्योंकि इसमें पॉलिश को पीने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए ये वॉलनट कलर है, तो इसको जब तक आप हटाओगे नहीं, क्योंकि इतना स्मूथ हो चुका है कि स्प्रे से भी करोगे तो स्प्रे पेंट में भी आप अगर थिनर डालोगे तो उसको भी सूखने के लिए टाइम चाहिए, वो नीचे ऐसे बह के नीचे आ जाएगा, देखिए कितने स्मूथ है। अगर इतना स्मूथ है तो आप इसके ऊपर दोबारा कोई भी कलर चेंज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ चमका सकते हो, क्योंकि रफ बना देता है, क्योंकि इसको जब तक किसी चीज़ का, जैसे ये प्लाई देख रहे हैं आप, ये रूखा है, इसके ऊपर ये नया है, कुछ भी करेंगे हो जाएगा। इस तरीके से जब स्मूथ हो जाएगा तो आप दोबारा कभी भी पॉलिश का कलर चेंज करना चाहेंगे नहीं हो सकता है, जब तक आप इसको रिमूव नहीं कर लेते हो, या थोड़ा बहुत पॉलिश किया है, जैसे एक दो बार करके छोड़ दिया है, फिर कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर हो सकता है, क्योंकि उसके नस खाली रहते हैं और उसके ऊपर हो सकता है।